अगर माइंडट्री आपकी एक ड्रीम कंपनी हो, यू डेस्परेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ माइंडट्री, या फिर इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान अभी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है माइंडट्री के साथ एंड यू वांटेड टू नो द ओवरव्यू ऑफ द होल इंटरव्यू प्रोसेस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। वॉच द वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले बात करते कि मैंने माइंडट्री में किस तरह से अप्लाई किया था। तो टू बी ऑनेस्ट, मुझे याद नहीं है कि मैंने एग्जैक्टली किस तरह से अप्लाई किया था। या तो naukri.com के थ्रू मुझे कॉल आया था, या फिर मैंने उनकी करियर पोर्टल पर जाकर रिज्यूमे डाल दिया था, उसकी वजह से मुझे कॉल आ गया। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हाँ, इन दी एंड मुझे डायरेक्ट HR की तरफ से कॉल आ गया था। उसके बाद उन्होंने इंट्रोडक्शन के लिए बोला, और उसके बाद उन्होंने स्क्रीनिंग राउंड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन पूछे, जैसे कि कब तक ज्वाइन कर सकते हो, नोटिस पीरियड कितना है, सैलरी कितनी है, एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन उन्होंने उस दौरान पूछे। देन उन्होंने मुझे सारा का सारा प्रोसेस बताया कि इंटरव्यू का सारा प्रोसेस किस तरह से होने वाला था, जिसमें सबसे पहला राउंड एक टेक्निकल डिस्कशन होने वाला था, दूसरा राउंड एक टेक्नो प्लस मैनेजरियल राउंड होने वाला था, तीसरे राउंड में HR डिस्कशन चलेगी। तो ये तीन राउंड थे जो कि मुझे फॉलो करने थे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले राउंड ऑफ डिस्कशन के बारे में, जो कि था टेक्निकल राउंड। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के बारे में, जो कि एक टेक्निकल डिस्कशन था, जिसमें सबसे पहले उन्होंने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा। बेसिक इंट्रोडक्शन देने के बाद उन्होंने उसी में से क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने डॉकर के बारे में पूछा, देन उसके बाद उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हुए, आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उन प्रोजेक्ट्स में। उसके बाद उन्होंने मुझे पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए बोला। ये तो रहा जो कि मैंने उस टाइम पे इंट्रोडक्शन दी थी उसके बेसिस पे क्वेश्चन। देन उसके बाद कोडिंग राउंड शुरू हुआ। कोडिंग में उन्होंने तीन क्वेश्चन मुझे उस दौरान पूछे थे। तो सबसे पहला कोडिंग क्वेश्चन था पैलिंड्रोम से रिलेटेड, वेदर अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो सबसे पहले मैंने स्लाइसिंग की मदद से वो सब कुछ करके दे दिया। तो उन्होंने कहा स्लाइसिंग का यूज नहीं करना, उसके अलावा कुछ भी यूज कर लो। तो मैंने दो तीन और वे उनको बताया उस टाइम पे कि हम इन तरीकों से पैलिंड्रोम फाइंड कर सकते हैं, वेदर अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। दूसरा क्वेश्चन था सॉर्ट अ लिस्ट विदाउट यूजिंग द सॉर्ट कीवर्ड, तो ये था। तीसरा क्वेश्चन था काउंट द नंबर ऑफ अक्रंस ऑफ एनी पर्टिकुलर कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, तो ये मैंने ऑलरेडी सारे क्वेश्चन अपने वीडियो में मेंशन करे हुए हैं, आप वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं। तीनों ही क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी थे। उसके बाद उन्होंने मुझसे बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिस्ट एंड अ टपल। उसके बाद उन्होंने मुझे दोनों चीजें डिफाइन करने के लिए भी बोला कि इनको किस तरह से डिफाइन करते हैं, और जो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कैन वी कंकैटिनेट टू टपल्स और नॉट, उन्होंने उसके बारे में भी पूछा। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाकर दी थी जिसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करके दिया हुआ कि आप कंकैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो टपल के केस में, तो आप वो आंसर सारा बता सकते हो उस टाइम पे। देन उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइटरेटर एंड अ जनरेटर, यील्ड कीवर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, तो उन सब चीजों के बारे में पूछा गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज इनिट फंक्शन एंड व्हाई सेल्फ कीवर्ड इज यूज्ड। देन उसके बाद था एक्सप्लेन द होल जेंगो आर्किटेक्चर, और उसके बाद उन्होंने दो तीन कमांड्स भी लिखवाकर देखी थी जेंगो ORM में। देन उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी थ्रेडिंग, और तुमने क्या कभी अपने प्रोजेक्ट में मल्टी थ्रेडिंग को इम्प्लीमेंट किया है, तो उसके बारे में बताइए। देन उसके बाद था व्हाट डू यू मीन बाय MRO, MRO क्या होता है पाइथन में। देन उसके बाद था हाउ टू डिफाइन क्लास एंड फंक्शन इन पाइथन। उसके बाद था हैव यू एवर यूज पांडास और नंपाई लाइब्रेरी, इफ यस देन उसके बारे में बताओ, थोड़ा बहुत उन्होंने उस टाइम पे पूछा था। देन उसके बाद था ओपन और विद कीवर्ड क्यों यूज किया जाता है, और अगर हम विद कीवर्ड का यूज ना करें तो सिर्फ ओपन वर्ड कीवर्ड का यूज करें तो उससे क्या होगा, तो ये चीज के बारे में पूछा। देन उसके बाद लैम्डा फंक्शन क्या होते हैं, आपको कोई एक फंक्शन डिफाइन करके देना है, मुझे वहां पर कोई एग्जाम्पल लिख के देनी थी। देन उसके बाद था विच लाइब्रेरी यू यूज अपार्ट फ्रॉम नंपाई एंड पांडास, जो जो भी मैंने उस टाइम पे लाइब्रेरीज यूज की हुई थी मैंने उन सबके बारे में बताया। देन उसके बाद What do you mean by GIL? GIL क्या होता है? Then उसके बाद था decorator. Well, decorator तो एक ऐसा question जो कि हर किसी interview में मुझसे पूछा गया, लेकिन इस बार थोड़ा advanced level में पूछा गया। Simple उन्होंने नहीं पूछा, what do you mean by decorator? Decorator with parameter उन्होंने उस time पे पूछा कि हाँ, जब हम decorator में एक parameter pass करते हैं तो उस time पे किस तरह से उसकी पूरी की पूरी functionality run करते हैं उसके बारे में बताओ। तो उन्होंने मुझे उस time पे एक proper code लिखने के लिए बोल दिया कि जब हम कोई parameter भेजते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। ये भी मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि जब भी आप decorator के बारे में पढ़ते हो तो उसमें पैरामीटर वाला कंसेप्ट भी पढ़ लेना, कि जब भी हम कोई पैरामीटर जाकर उसमें देते हैं तो किस तरह से उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, तो डेकोरेटर जरूर पढ़ के जाना। देन उसके बाद सेलेनियम के बारे में पूछा कि सेलेनियम को आपको किस तरह से यूज किया हुआ है। देन उसके बाद ऑटोमेशन के बारे में पूछा कि क्या आपने कभी अपने प्रोजेक्ट में ऑटोमेशन की है, या अगर की है तो उसके बारे में बताइए। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन उन्होंने उस दौरान मुझसे पूछे थे। ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो कि उन्होंने फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में मुझसे पूछे थे, और मैंने सबके ही आंसर उनको बहुत एक्यूरेटली दे दिए थे। देन मुझे पूरा ही कॉन्फिडेंस था कि मैंने ये राउंड क्लियर कर लिया, और लकीली मुझे यही चीज सुनने को मिली। अगले ही दिन मैंने HR को जब कॉल किया तो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस राउंड, और तुम्हारा नेक्स्ट राउंड जल्द ही कंडक्ट किया जाएगा।
अब बात करते हैं सेकंड राउंड ऑफ डिस्कशन के बारे में। सेकंड राउंड ऑफ डिस्कशन टेक्नो मैनेजरल था, लेकिन वो ज्यादा मैनेजरल राउंड ही लग रहा था क्योंकि उसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। मेजरली सिर्फ एक या दो क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल और डेकोरेटर्स क्या होते हैं। इसमें उन्होंने कुछ भी लिखवाकर नहीं देखा था। उसके बाद उन्होंने सारा का सारा कंसंट्रेशन जो कि मैंने किया था अपने पिछले एक्सपीरियंस में, जितनी भी कंपनीज में मैंने काम किया है, उन कंपनीज में कौन कौन से प्रोजेक्ट में काम किया है, मेरे क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही थी, उन सब चीजों पर फोकस किया गया था। डिप्लॉयमेंट वाले प्रोसेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था कि मैंने किस तरह से किसी भी प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया हो, तो उस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग की गई थी। लेकिन हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मुझे यही कहा गया था कि क्या तुमने कभी किसी टीम को लीड किया है, और अगर किया है तो तुम्हारा एक्सपीरियंस किस तरह से रहा था उस टीम को लीड करने में। उसके बाद क्लाइंट इंटरेक्शन किस तरह से करते थे, अजाइल मेथोडोलॉजी के बारे में पता है या नहीं, तो उसको किस तरह से फॉलो करते थे, तो यही सारे बेसिक क्वेश्चन उन्होंने मुझे उस दौरान पूछे थे। इस राउंड में उनका ज्यादा फोकस सिर्फ इन्हीं चीजों पर था कि मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही थी, मैंने क्या क्या अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस में काम किया हुआ। ये था मेरा सेकंड राउंड ऑफ डिस्कशन का एक्सपीरियंस। तो उसके बाद मैं इस राउंड से भी शॉर्टलिस्ट हो गया, और अब बारी थी एचआर डिस्कशन की। एचआर डिस्कशन तो बिल्कुल एक फॉर्मेलिटी के जैसे ही हुआ। उसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस सिर्फ आपकी सैलरी पर ही किया गया कि आप कब कितनी सैलरी पे आ सकते हो, एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है, या फिर थोड़ी बहुत नेगोशिएशन उस टाइम पे चली। देन उसके बाद फाइनली मुझे एक हफ्ते के बाद ऑफर लेटर आ गया। तो ये था मेरा माइंडट्री के साथ इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ ये वीडियो आपको किस तरह से लगी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं।